राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ठीक है भाई। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, या ग्रुप 17 या ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है भाई क्या, हैलोजन्स कहा जाता है। और ये हैलोजन्स ग्रीक वर्ड से बना है, और वो ग्रीक वर्ड क्या क्या है, एक तो है भाई हेलो और एक है जेंस। इस हेलो का मीन्स तो होता है सी साल्ट, समुद्री लवण, और इस जेंस का मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग, मतलब सी साल्ट बनाने वाले, ठीक है। सी साल्ट जैसे आप NaCl की बात करें, KCl की बात करें, K2SO4 की बात करें, Na2SO4 की बात करें, MgCl2 की बात करें और भी, तो ये जो हेलोजन्स हैं, ये हेलोजन्स इस प्रकार के साल्ट बनाते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है भाई। आगे अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस 17वें में वर्ग में पाए जाते हैं, या ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं। बात करता हूं, देखो एफ सी एल बी आर आई और ए टी, ये आपके पास एलिमेंट हैं। हालांकि इसमें TS और NSin, आपने इसको ऐसे याद किया था 11th क्लास में, फिर कल भार आई अंटी टसन से ये TS है, नया एलिमेंट अभी जो खोजा गया है वो, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। वर्ग 17 के एलिमेंट या हेलोजन चल रहे हैं, ये एटी होता है एस्टेटाइन, ये एस्टेटाइन, और ये है भैया टेनेसाइन। तो ये आपके पास हो गया हेलोजन फैमिली। अब इस हेलोजन फैमिली में, चलो हेलोजन फैमिली यहां पर लिखी हुई है, तो इस हेलोजन फैमिली का अपन क्या कर दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही कर देते हैं अपन भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका यही कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन अब, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो टेनेसाइन है, ये टेनेसाइन हो गया, एस्टेटाइन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं भाई, ठीक है। एफ सी एल बी आर आई, एटी भी लो ना, चलो एस्टेटाइन, हालांकि एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है तो एस्टेटाइन की अपन यहां बात नहीं करेंगे, आगे किसी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले लिखते हैं अपन उत्कृष्ट गैस, सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं भैया क्या, नोबल गैस लिखते हैं। और नोबल गैस आपने इस प्रकार से लर्न कर रखी है, हीना, नीना और करीना, जीरो रन, रेड ऑन और आएगा नीचे, है ना। ये आपने लिख दिया फ्लोरीन में हीना नीना और करीना जीरो रन। अब क्या करता हूं मैं, मैंने कहा था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दो बार एसपी लिख देना भाई, और दो बार डीएसपी लिख देना, और एक बार आप एफ डी एस लिख देना,
ठीक है। उसके बाद ये जो sp है ये दो से स्टार्ट होता है, n बराबर दो, ये दो, ये तीन, ये चार, यहां पांच और यहां छह। d तीन से स्टार्ट होता है तो 3d 4d 5d और f फोर से स्टार्ट होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, तो जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई? देखो आप s को p को d को फुल भर दें, s में दो आते हैं, फुल भर दें s को, d में 10 आते हैं, d को भी फुल भर दें, f में 14 आते हैं, इसको भी फुल भर दें, ठीक है। उसके बाद देखें ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। यहां से आप गिनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छह। ये पी में इलेक्ट्रॉन है, बोरेन के पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के दो, नाइट्रोजन फैमिली तीन, ऑक्सीजन फैमिली चार, हेलोजन फैमिली पांच और जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, उनके पी में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हेलोजन फैमिली के पी में कितने इलेक्ट्रॉन बताएं? पांच होते हैं, पी में पांच भर दें। बोरोन फैमिली होती है तो में एक भरता भाई, कार्बन फैमिली होती दो भरता, नाइट्रोजन फैमिली होती तीन भरता, ऑक्सीजन फैमिली में चार भरता, हेलोजन में पांच भरता और जब आप उत्कृष्ट गैस पढ़ेंगे, नोबल गैस पढ़ेंगे तब मैं छह भरूंगा। तो यहां पांच इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे किसमें? पी में। ये बोलो भाई, ठीक है। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? हेलोजनों का। तो हेलोजना का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आप पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है भाई क्या? NS2NP5। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP5 हैलोजनों का, और ये आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहीं पर देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं यहां इनका एटॉमिक नंबर लिखना चाहूं जेड की बात कर रहे थे, जेड कैसे लिखूंगा मैं? मैंने आपको ये कहा था कि ये जो, चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, एफ सी एल बी आर आई एस्ट टाइम, इसके बाद आता है भाई कौन? हीना, नीना और करीना, जीरो रन ओगी के कारण। चलो यहां पर मैं टेन साइन भी ले लेता हूं। इनके आपको याद होने चाहिए, नोबल गैस के याद होने चाहिए। नोबल गैस के क्या होते हैं बताएं? नोबल गैस का होता भाई कितना? दो, दस, अट्ठारह, छत्तीस, चौवन, छियासी, 118। अब एक एक घटा लो, एक पहले ही तो है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद नियॉन आता, तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर या जेड फ्लोरीन का कितना हो जाएगा बताएं? नो, इसका कितना हो जाएगा? 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटाइन का 85 और टेनेसाइन का 117। ये इनका हो गया भाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इस एटॉमिक नंबर के बाद अब अपन यहां बात करते हैं इनकी ठीक है। अपन बात कर रहे हैं इसकी एटॉमिक मास की, एफ सी एल बी आर आई एस्टेटाइन। इनका जो एटॉमिक मास होता है
वह एटॉमिक मास इस फ्लोरीन का 19 होता है, Cl का 35.5 होता है, इस ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है और एस्टेटाइन का 210 होता है भाई। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है, एटॉमिक मास इनका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ रखी थी कि D बराबर होता है M अपॉन V, इस D के बीच और इस M के बीच कौन सा संबंध है भाई, समानुपाती का संबंध है। तो सीधी बात है, अगर M इंक्रीज होगा तो D भी इंक्रीज होगा, तो अप टू डाउन अगर जाते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, इसलिए ध्यान रखना डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, घनत्व भी बढ़ता है। अगर इनका एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, एटॉमिक मास का मीन्स इनका परमाणु भार, ठीक है ना भाई, ये परमाणु द्रव्यमान, तो इनका परमाणु द्रव्यमान जब बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी भी इनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अपन ने डेंसिटी पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ ली। अब मैं यहां पर इनका उपलब्धता बता रहा हूं, ऑक्यूरेंस बता रहा हूं, ठीक है, कौन किस रूप में पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है। तो अपने पास देखिए ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ठीक है, ये चार अपने पास मेन हैलोजन है। चलो मैं एस्टेटाइन लिख देता हूं, उसके नीचे जो बात है वो लिख देता हूं कि ये जो एस्टेटाइन है वो रेडियो एक्टिव होता है भाई, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है। इनकी बात कर रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान दें इनकी जो धरती है उस धरती में कितने परसेंट ये पाए जाते हैं, परसेंटेज इनकी कितनी पाई जाती है, किसमें, अर्थ क्रस्ट में, भू परपटी में, ठीक है भाई, यानी भू परपटी में इनकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है जमीन में। तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ध्यान देना, फ्लोरीन पाया जाता है 0.07%, क्लोरीन पाया जाता है 0.14%, ब्रोमीन पाया जाता है 2.4×10⁻⁴, ₹2.5×10⁻⁴, और आयोडीन पाया जाता है भाई 8×10⁵%। तो ये इनकी उपलब्धता या अपन बात करें ऑक्यूरेंस, ठीक है भाई, तो इनका जो ऑक्यूरेंस या उपलब्धता है ये मैंने लिख दिया, किस रूप में पाए जाते हैं अपन ये भी लिख देते हैं। फ्लोरीन देखो CaF2, ठीक है, चलो नीचे लिखता हूं भाई, यहां नहीं आ पाएगा ना, इसको कर देता हूं यहां। तो जो फ्लोरीन है उसके साल्ट कौन कौन से हैं, किस रूप में पाया जाता है, तो फ्लोस्पार CaF2, ठीक है भाई, तो फ्लोरीन फ्लोस्पार के रूप में पाया जाता है, फ्लोर एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, फ्लोर एपेटाइट होता है Ca2.3 कैल्शियम फोस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है भाई, तो फ्लोस्पार है, फ्लोर एपेटाइट है, इसके रूप में फ्लोरीन पाया जाता है। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन देखिए रोक साल्ट,
रॉक साल्ट NaCl के रूप में पाया जाता है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6S2, तो कार्नेलाइट के रूप में पाया जाता है। ये कार्नेलाइट है भाई, एक क्रायोलाइट और होता है Na3AlF6, ये फ्लोरीन का होता है। तो ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का होता है भाई NaBr है, KBr है इस रूप में। और यहीं पर अगर आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन पाया जाता है मेनली NaIO3 के रूप में, ठीक है भाई। अब अगर हम मान लीजिए, देखो ये क्रायोलाइट है, ये फ्लोस्पार है, ये फ्लोर एपेटाइट है, ये रॉक साल्ट है, ये कार्नेलाइट है, ठीक है। अगर अपन बात करें मान लो फ्लोरीन की, तो इस फ्लोरीन को अपन बोलते हैं मोर रिएक्टिव है, उच्च क्रियाशील। मोर रिएक्टिव होने के कारण, उच्च क्रियाशील होने के कारण इस फ्लोरीन को सुपर हैलोजन बोला जाता है भाई। तो बताएं सुपर हैलोजन कौन सा है? सुपर हैलोजन अपना आता है फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर लें, अपन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, अक्रेंस हो गया। देखो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, प्रकृति में कितने परसेंट किस रूप में पाए जाते हैं वो हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डेंसिटी भी हो गई भाई, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, एटॉमिक रेडी की, परमाणवीय त्रिज्या की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, परमाणवीय त्रिज्या की बात करता हूं। तो देखो ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन की बात नहीं कर रहा मैं, छोड़ो इसको। एक पीरियड की आप बात करें, एक आवर्त की अगर आप बात करें, तो एक आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार इंक्रीज होता है भाई। जेड स्टार आपका क्या होता है? जेड स्टार आपका होता है प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता बताएं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ठीक है। तो ये जेड स्टार आपका न्यूक्लियर चार्ज मान ले, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार इंक्रीज होगा, जेड स्टार इंक्रीज होने पर ध्यान रखना जो साइज है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, इन फैमिलियों की बात की जाए तो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनका साइज इनसे छोटा होता है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा भाई। ये एटॉमिक रेडी हो गई। एटॉमिक रेडी के बाद अप टू डाउन चल जाए, FClBrI। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो अप टू डाउन जाने पर N इंक्रीज होता भाई, और N इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। कैसे? फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इसमें n बराबर 1 n बराबर 2, तो ये जो फ्लोरीन है इसमें ये तो हो गया n बराबर 1 और ये हो गया n बराबर 2। n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसमें ये n बराबर 1 हो गया और ये n बराबर 2 हो गया, दो सेल हैं इसमें। अगर आप मान लीजिए यहां पर बात करें 2, 3, 4, 5 आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में 5 सेल होंगे भाई, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसमें केवल 2 सेल है, आयोडीन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5, 5 सेल है भाई। तो अप टू डाउन जाएंगे तो एन इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना साइज इंक्रीज होता है भाई, ठीक है। ये हो गई साइज की बात, ठीक है। कल अपन एक नई वीडियो के साथ और प्रॉपर्टीज लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।